एमएस पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में डिजाइन टैब में कस्टमाइज ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे स्लाइड साइज ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देते समय सामान्य से हटकर कुछ अलग टाइप का प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे, या फिर आप स्लाइड के ऊपर नीचे या दाएं बाएं जगह छोड़ना चाहते हैं, या आप उसे बैनर के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्लाइड साइज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए पहले हम इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखते हैं। उसके लिए कीबोर्ड में F5 की प्रेस करते हैं। देखिए, अभी ये स्लाइड पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही है। इसके लेफ्ट और राइट साइड में ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कीबोर्ड में एस्केप की प्रेस करें। अब स्लाइड का साइज चेंज करने के लिए डिजाइन टैब के कस्टमाइज ब्लॉक में जाकर स्लाइड साइज ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन ये दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। हम यहाँ पर वाइड स्क्रीन चुन रहे हैं। F5 की प्रेस करके हम इसे वापस फुल स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये पूरी स्क्रीन पर आ रही है। एस्केप की प्रेस करके हम स्लाइड शो से बाहर हो जाते हैं। यदि आप कोई अन्य साइज चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम स्लाइड साइज पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो साइज चाहें वो चुन सकते हैं, या फिर आप खुद ही जो साइज रखना चाहें वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ वाइड स्क्रीन यानी 16:9 ही सिलेक्ट रहने दे रहे हैं। यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये लैंडस्केप है, हम पोर्ट्रेट चुन रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, मैक्सिमाइज और एंश्योर फिट। मैक्सिमाइज चुनने पर अगर जो हमारा मैटर है वो स्लाइड के साइज से बड़ा होगा तो वो उससे बाहर हो जाएगा। क्योंकि हमने स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है, तो अगर मैटर या जो भी कंटेंट होगा वो स्लाइड के साइज से बड़ा होगा तो वो उससे बाहर हो जाएगा। कैसा वो दिखेगा ये हम देख लेते हैं। मैक्सिमाइज पर हम क्लिक कर रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह से देखने के लिए F5 की प्रेस कर रहे हैं ताकि हम इसको फुल स्क्रीन पर देख सकें। अब चूंकि हमारा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, इसलिए स्लाइड उस साइज में आ गई है और जो भी उससे ज्यादा मैटर है या कंटेंट है वो सब उससे बाहर हो गया है। जितना स्लाइड साइज में आ रहा है केवल उतना ही कंटेंट हमको नजर आ रहा है, बाकी कट गया है। अब हम इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो भी साइज या ओरिएंटेशन हमने चेंज किया है स्लाइड का, उसके अंदर पूरा मैटर हमारा आ जाए, पूरा कंटेंट आ जाए, तो उसके लिए हम चुनेंगे एंश्योर फिट। अब हम इसको F5 की प्रेस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट था, इमेज और टेक्स्ट सबको मिला करके, वो इस साइज में भी पूरा फिट हो गया है। उस पूरे कंटेंट को फिट करने के लिए हो सकता है कि जो मैटर है या जो इमेज है वो छोटी हो जाए। यदि आपको बैनर की तरह स्लाइड प्रेजेंट करना हो, स्लाइड साइज ऑप्शन में जाकर बैनर ऑप्शन सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। अब इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। एंश्योर फिट पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे ही आप F5 की प्रेस करेंगे, बैनर जैसी पट्टी दिखाई पड़ेगी जिसमें ऊपर और नीचे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है और बीच में बैनर की पट्टी के रूप में स्लाइड नजर आ रही है।
इस तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार स्लाइड का साइज चुन सकते हैं। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में डिजाइन टैब में कस्टमाइज ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा स्लाइड साइज ऑप्शन का उपयोग करना।